नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे घोरघट पुल और मुंगेर रेल सह सड़क पुल के बारे में। भागलपुर को मुंगेर से जोड़ने वाला घोरघट पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसको लेकर जो जानकारी साझा की गई है उसमें बताया गया है कि 16 जनवरी से इस पर बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर संशय बरकरार है। इस पुल के उद्घाटन को लेकर बताया जा रहा है कि पटना के कोई निर्देश पुल निर्माण निगम या फिर NH डिवीजन को नहीं दिया गया है। ऐसे में उद्घाटन को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर निगम की साइट इंजीनियर अनिल कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पूर्व उद्घाटन में देरी हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि नवनिर्मित पुल और अप्रोच रोड पर ट्रायल के लिए 16 जनवरी से छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू करने की योजना बनी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नया पुल बनने के साथ ही पुराना पुल बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंगेर पुल पर अलकतरा और कंक्रीट सड़क बनाया जा रहा है, जो कि 4 दिनों में काज पूरा हो जाएगा। गोगरा पुल के उद्घाटन को लेकर NH विभाग के इंजीनियर ने बताया कि पहले मुंगेर का पुल चालू होगा, उसके बाद घोघरघाट पुल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंगेर पुल तय समय पर शुरू नहीं हो सका, जो कि 25 दिसंबर 2021 को होना था। बता दें कि बेगूसराय के सवलदरपुर व खगड़िया साइड के मल्हीपुर अप्रोच रोड का निर्माण अधूरा था, ऐसे में मुंगेर पुल शुरू नहीं हो सका। और अब घोरघट पुल जब पूरी तरह से तैयार हो गया है तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त तेजी देखी जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 16 को यानी 16 जनवरी को पुल का उद्घाटन होना था, जो कि अब संभव नहीं है। बता दें कि 12 जुलाई 2006 को मनी नदी पर बना घोरघट पुल धंस गया था। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इसी रास्ते से श्रावणी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस समय इस क्षतिग्रस्त पुल को फिर से चालू करने के लिए 2,65,00,000 की राशि निर्गत की गई थी, लेकिन कुछ महीने के बाद बेली ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद इस पुल पर बड़े आसानी से प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। यह पुल 2013 तक नहीं बन सका। अब इसको बनाने के लिए 9,74,00,000 की बजट तैयार किया गया, लेकिन बीच में ही जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आ गया। उसके बाद पुल निर्माण निगम ने पटना को ठेका एजेंसी ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को पुल 11,00,00,000 रुपये खर्च करने के साथ बनाने की मंजूरी दे दी और उन्होंने इसे बना भी दिया। बता दें कि मुंगेर रेल सह सड़क पुल यानी कि श्री कृष्ण सेतु के अप्रोच पथ का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी कारण उद्घाटन को लेकर NHAI और जिला प्रशासन के द्वारा कोई तैयारी नहीं की जा रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि अप्रोच पथ के चंडिका स्थान के पिछले हिस्से में बाईपास ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर मजदूरों द्वारा छड़ बांधने का कार्य ही अभी किया जा रहा है, जबकि भौखड़ी और चुरम्बा मस्जिद के पास रिटर्निंग बॉल का कार्य चल रहा है। इसके अलावा काला पत्थर नया गाँव शामपुर में स्थित 2 बाईपास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इधर इंजीनियरिंग कॉलेज के पिछले हिस्से में चुरम्बा मस्जिद तक सड़क पर गिट्टी युक्त बालू बिछा दिया गया है, जबकि कालीकरण का कार्य विभागीय है। तो ऐसे में दो बड़े हाईवे, एक तरह से कहें कि दो बड़े पुल, एक तो मुंगेर रेल सह सड़क पुल और दूसरा घोरघट पुल, इन दोनों पुलों को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। पहले तो मुंगेर रेल सह सड़क पुल के निर्माण कार्य में देरी और उसके बाद घोरघट पुल के बन जाने के बाद भी मुंगेर सह सड़क पुल बनने में देरी के कारण जो है घोरघट पुल को इस तरह से कहने की उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।